हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो ये हमारा पार्ट फाइव वीडियो है, हाउ टू फाइंड ए हाई अथॉरिटी एक्सपर्ट डोमेन। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा domcop.com के बारे में। यह एक ऑनलाइन एक्सपर्ट डोमेन फाइंडिंग टूल है। सो इसमें यह पेड टूल है। सो इसमें आप कैसे पा सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल। सो इसमें पहले मैं इसका प्लान डिटेल आपको बता देता हूँ। पहले इसका जो प्राइसिंग रहता है, इनका मंथली इनका प्लान है और एनुअल प्लान है। सो मंथली अगर न्यू बिगिनर जितने भी लोग है एक्सपर्ट डोमेन ढूंढना चाहते हैं, सो उनके लिए मंथली प्लान सही रहेगा। सो आप बेसिकली न्यू भी प्लान ले सकते हैं, बट न्यू भी प्लान में कुछ इतना ज़्यादा एक्सपायर नहीं है, कुछ भी चीज़ नहीं है जो जिससे आप एक्सपर्ट डोमेन पा सकते हैं। जैसे ओनली यहाँ पर एक्सपायरिंग सेक्शन पे आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो बेसिकली आपको क्या करना है ना, आपको पावर प्लान लेना है। ये सबसे बेस्ट है। ये $106 पर मंथ है और यहाँ पर आपको सारे मिल जाएगा। बस यहाँ पर एक चीज़ नहीं मिलेगा, पर्सनल एक्सपर्ट डोमेन क्रॉलर। सो वो नहीं चाहिए अभी। सो जितने भी बिगिनर लोग हैं, आप इसे एक बार बाय कर लेना अगर आपको सच में एक्सपर्ट डोमेन हाई अथॉरिटी एक्सपर्ट डोमेन को पाना है। ओके, चलिए यहाँ पर आप कैसे पाना है आपको मैं आपको पूरी डिटेल लाइव दिखाऊंगा कुछ डोमेन बाय कर। सो पहले मेरे को यहाँ पर लॉगिन करने दीजिए। ओके, सो हम यहाँ पर लॉगिन हो। ओके, लॉगिन होने के बाद आपको ऐसे ही सिंपल सा डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा टूर दिखाई देगा। यहाँ पर आप यहाँ से भी क्विक टूर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन सा ये आइकन क्या है, वो आइकन क्या है, कहाँ पर क्या है, सब कुछ देख सकते हैं। या क्विक टूर मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पर कॉन्टैक्ट से बटन है और क्रावलर डैशबोर्ड है। पावर प्लान में ज़्यादातर क्रावलर नहीं होता है, सो यहाँ पर आपको कुछ भी जरूर नहीं। इसके बाद प्राइसिंग है, ब्लॉग है उनका और कितना डोमेन है उनका डाटाबेस में, वो सारे शेयर दिखाई देगा। अगर कोई इशू है आप यहाँ पर हेल्प में जाकर आप फैक्यू कॉन्टैक्ट टूर सब कुछ यहाँ पर देख सकते हो। ओके, और सेटिंग में आपका डिटेल सबको, माई अकाउंट, कस्टमाइज कॉलम्स, ये सारे सर सब कुछ है, माई सेशन वगैरह, माई एक्सपर्ट सब कुछ यहाँ पर आप है। ओके, सो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप दिखा देगा हाउ टू में है। आप देख सकते हैं प्राइसिंग या स्टैटिस्टिक्स, वही सेम चीज यहाँ पर जो भी ऊपर दिखा वही सारे सर। यहाँ पर हेल्प की जो बटन यहाँ पर था, ये जो हेल्प में बटन जो था वो सारे सर यहाँ पर है। ओके, सो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पर देखिए पहले तो यहाँ पर होम में जब आप लॉगिन करने के बाद आपको डोमेन इस यूआरएल में आ गए, सो आपको यहाँ पर थोड़ा सा मेनू दिखा देगा। एक एक्सपायरिंग और एक एक्सपायर्ड और एक आर्काइव्ड और एक वॉच लिस्ट और एक क्रावलर और एक माई डोमेन्स। ओके, सो आपको बेसिकली एक्सपायर डोमेन ढूंढना है। सो एक्सपायरिंग सेक्शन को नहीं जाना है, आपको जाना है सिंपली एक्सपायर्ड में। ओके, ये बिगिनर के लिए मैं बोल रहा हूँ। जो लोग प्रो है, मतलब जो लोग ज़्यादा हंटिंग करते हैं एक्सपायर डोमेन्स, उन लोगों के लिए एक्सपायरिंग जो सेक्शन है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अच्छा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कौन सा डोमेन आने वाले टाइम में एक्सपायर होगा उसी हिसाब से उस डोमेन को हंट करना है। ओके, वो लोग एक्चुअली एक्सपायर डोमेन हंटर होते हैं। सो मैं भी बहुत बार किया हूँ, बट कभी कभी फेल भी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे हंटर यहाँ पर होते हैं एक डोमेन को, बहुत हाई अथॉरिटी डोमेन को हंट करने के लिए, जैसे DA50+, DA60+ जैसे। सो और हाँ, राइट साइड में आपको यहाँ पर दो तीन जो फिल्टर का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए कॉमन है कि नॉर्मल है, और उसी से सिंपल है कि फिल्टर है और एक एडवांस। मैं आपको बताऊंगा इसके फिल्टर कैसे लगा करना है। सो पहले आपको क्या करना है, एक्सपायर डोमेन सेक्शन में आपको चला जाना है, और इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे भी आपको कुछ थोड़ा सा दिखाई देगा, हाइड फिल्टर, सेफ शॉट्स, ऐड टू वॉच लिस्ट, एक्सपोर्ट क्लिप, कॉपी टू क्लिपबोर्ड और रिप्लेस रिसेट। ओके, ये सारे सारे यहाँ पर थोड़ा सा मेनू भी आपको दिखा देगा। ओके, आपको सिंपल क्या करना है ना, यहाँ पर कैसे आपको एक्सपायर डोमेन पा सकते हैं। पहले तो मेन चीज, अगर आप बिगिनर है तो आपको सिंपल क्या करना है ना, यहाँ पर शो मी ओनली दी अवेलेबल एक्सपायर डोमेन पे क्लिक कर देना है। बस सिंपली इसमें क्या होगा ना, जितने भी अवेलेबल डोमेन अभी के लिए है, मतलब करंट टाइम में जितने भी डोमेन एक्सपायर हो चुका है और वो रजिस्टर करने के लिए अवेलेबल है, सो वो बस यहाँ पर दिखाई देगा। सो इसमें आप अगर बोलेंगे भाई मेरे को तो डी आई यहाँ पर मिल गया 44, 36, 34, 68 सब कुछ मिल गया हाई अथॉरिटी, सब में इसे क्या अभी रजिस्टर कर सकता। आप अगर इस पर क्लिक करेंगे आपको रिडायरेक्ट करके ले जाएंगे उसका रजिस्टर या नहीं तो ऑप्शन जहाँ पर होगा। सो ये देखिए, ये गोडाडी पे है और डोमेन ऑलरेडी, ये गोडाडी पे ले गया। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी आपको दिखाई देगा अवेलेबल है। सो आप डायरेक्ट यहाँ पर से लॉगिन, सॉरी ऐड टू कार्ट करके यहाँ पे बाय कर सकते। ओके, बट एक डोमेन बाय करने से पहले यहाँ पर आपको डोमकॉम में एक अच्छा बात यह है कि आपको यहाँ पर सारे सारे फीचर्स आपको दिखाया जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इसका एज कितना है और मोज डी ए पी एच आर एफ लिंक रेफरिंग। ओके, यस, एच आर एफ रैंक, उसके बाद एच आर एफ डी आर, एच आर एफ एडू लिंक कितना है, एच आर एफ डोमेन मतलब रेफरिंग डोमेन कितना है, एस एम आर एस वगैरह, मोज, ये माजेस्टिक, सब कुछ जितने भी आपके पास ऑनलाइन में आप
किसी के ऑथोरिटी मतलब मैट्रिक्स में अपने नापने के लिए आपको जितना रेफरेंस लेते हैं, जैसे मैजेस्टिक, मोज, एचआरएफ्स और एसएमआरओस और एलेक्स, ये सारे के सारे यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ओके, ये डॉमकॉम का एक अच्छा बेहतर फीचर है। सो ये डोमेन को आप बोलेंगे भाई ये डोमेन तो अभी अवेलेबल है, इसे यहाँ पे रजिस्टर क्यों नहीं किया है? इसका वजह है यहाँ पर, क्योंकि इसे मैं अभी चेक नहीं किया है। आपको चेक करने के लिए आप सिंपली क्या करना है, इस डोमेन का आप राइट क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर सारे से डिटेल दिखाई देगा कि क्या क्या चेक करना है। जैसे इसका विजिट डोमेन करना है तो हम करके देख लिए, उसके बाद मैजेस्टिक चेक करना है यहाँ पर क्लिक करना है। फिर से अगर मौज ओपन साइट एक्सप्लोर मौज करना है तो मौज कर सकते हैं। उसके बाद एसएमआरएस, एचआरएफ्स, अलेक्सा, वेब आर्काइव, गूगल बैकलिंक्स, गूगल इंडेक्स पेज, कितना पेज इंडेक्स है, और गूगल इन्फो, हु इज डिटेल, स्क्रीनशॉट अवेलेबिलिटी। ओके, स्क्रीनशॉट मतलब screenshot.com की साइट वेब की तरह, वहाँ पर आपको पुरानी जितने भी इनका जो साइट स्ट्रक्चर था उसका स्क्रीनशॉट जो भी अवेलेबल होगा दिखाई देगा। और उसके साथ आप लास्ट को चेक अवेलेबिलिटी, अगर अवेलेबल है या नहीं आप दिखा देगा। ओके, सो या नहीं तो आप अगर नॉर्मल यहाँ पर कर्सर घुमाएंगे आपको दिखा देगा। जैसे यहाँ पर ये थर्ड वाला दिखा दूँ, देखिए ये पहले तो ये जो क्रॉस आइकन का मतलब है कि इसे आप क्लिक करेंगे तो इनको डोमेन को आप बोल रहे हैं कि भाई ये डोमेन को हटा दीजिए, ये डोमेन कुछ इशू है या नहीं, तो आपको अगर लगा तो ये डोमेन ऑलरेडी हटा जाएगा। आपकी लिस्ट आपको दिखाई नहीं देगा, ये डोमेन आपका लिस्ट। ओके, उसके बाद आपको एनजे नेम जेट आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आप कॉपी कर सकते हो इस डोमेन को, ओनली डोमेन। सो उसके बाद आप यहाँ पर वेबएक्स आर्काइव चेक कर सकते हो, उसके बाद स्नैपशॉट, उसके बाद गूगल इंडेक्स कितना हुआ है, और उसके बाद ये जो एसटीपोर्ट डोमेन वैल्यू आपको पता होगा, ये एक डोमेन आप जब भी रजिस्टर कर रहे हैं या नहीं, तो डोमेन का वैल्यू हम जानने के लिए ये चीज हम देखते हैं कि कितना एस्टिमेटेड वैल्यू हो सकता है ये बाद में अगर हम सेल करेंगे। ओके, सो उसके बाद आपकी ये नीच सिलेक्शन, ये कौन से नीच में था और या नहीं, तो ये अभी सुइटेबल नीच इसका ये डोमेन का कौन सा हो सकता है वो सारा यहाँ पर दिखाई देगा आपको। जैसे स्पोर्ट्स सॉकर में जा सकते हैं, उसके बाद आर्ट्स टेलीविजन में हम यूज कर सकते हैं इस डोमेन को। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते, ये एंकर यहाँ पर आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कोई भी टूल आपको एक्स्ट्रा टूल बाय नहीं करना होगा, आपको सिंपली अगर एक बार डोमकॉम आप बाय कर ले सो आपको कोई एचआरएफ से मौज, एसएमआरएस, अलेक्सा या वगैरह और कहीं नहीं देखना होगा। यहाँ पर आप सारे सारे फीचर आपको मिल जाएगा, ये सबसे बेस्ट पार्ट है डोमकॉम का। बट हाँ, यहाँ पर 95% ये सही दिखाते हैं, नहीं तो बाकी थोड़ा गलत दिखाता है, आप जाकर मैनुअल चेक कर सकते हैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। सो उसके बाद यहाँ पर ये लिंक में आप देख सकते हैं तो बैक लिंक्स कितना है, ये सारे से क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा। ओके, सो मैं यहाँ पर आपको पूरी बेसिक डिटेल आपको बता दिया। आपको अभी हम क्या करेंगे ना, हम अभी एक्सपायर डोमेन ढूंढेंगे। ओके, सो अभी क्या करना है, थोड़ा सा आप अगर हाई ऑथर एक्सपायर डोमेन पाना चाहते हैं तो पर्टिकुलर नीच यानी तो पर्टिकुलर कीवर्ड के हिसाब से आप यहाँ पर कीवर्ड यानी किसी डोमेन नेम का सर्च करके यहाँ पर आप उसी हिसाब से पा सकते हैं अगर अवेलेबल होगा। ओके, सो आपको यहाँ पर जो फिल्टर है, फिल्टर में ऑलवेज खेलना चाहिए, क्योंकि ये फिल्टर के खेलने के साथ आपको बहुत सारे हाई तरह के एक्सपर्ट होना पा सकते। अभी देखिए आपको नॉर्मल ओनली जो हम यहाँ पर एक फिल्टर लगाए थे, सो ओनली अवेलेबल डोमेन्स, मतलब यहाँ पर 400,000+ डोमेन अवेलेबल है और ये डोमेन सब कुछ एक्सपायर डोमेन है। ओके, सो अभी क्या करेंगे ना, हम सिंपली यहाँ पर सिंपल फिल्टर हम जाएंगे। अगर आपको सिंपल फिल्टर में कुछ इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, जैसे ओके यहाँ पर जब सिंपल फिल्टर में आप आएंगे यहाँ पर सर्च में आप क्लिक करना है, यहाँ पर आप सारे सारे डिटेल दिखा देंगे हम बहुत ही इजी में। सिंपल मतलब आप एडवांस चीज में नहीं जा रहे, बस नॉर्मल जैसे बेसिक चीज, जैसे डोमेन ऑफ मिनिमम 15 to 100, मोज रैंक कितना आपको चाहिए वो चीज, ओपन पेज रैंक कितना चाहिए, सारे सारे दिखा देगा। ओके, साइटेशन फ्लो आप कितना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर मिनिमम करते हम ओके 12, ये बहुत ज़्यादा हो गया शायद नहीं मिलेगा नहीं। सो साइटेशन फ्लो हम रखें 6 और ट्रस्ट फ्लो हम रखेंगे मान लेते 9 और थोड़ा कम कर लेते ओके 5। डोमेन एज भी आप कर सकते हैं, डोमेन लेंथ भी कर सकते हैं, मौज लिंक कर सकते हैं, मादेश्री लिंक से एंड कितने दिन में ये एंड हो रहा है, मतलब कोई ऑक्शन में होगा तो सो उसी हिसाब से। और प्राइस भी, प्राइस $1 से मैक्सिमम $1 जितना भी होगा। और यहाँ पर लिस्टिंग टाइप देख सकते हैं, बाय नाउ, बार्गेन, क्लोज आउट, पेंडिंग, डिलीट, काउंटर ऑफर। ऑक्शन में आप कर सकते हैं, ऑक्शन में आप देख सकते हैं ऑक्शन में कौन सा डोमेन अभी है, आप जाकर बाय कर सकते हैं। ओके, सो अगर आपको पर्टिकुलर कीवर्ड में चाहिए तो आप यहाँ पर कीवर्ड पे ले जाना, यहाँ पर स्टार्ट या नहीं तो कंटेंट्स या नहीं तो एंड, वो कीवर्ड डोमेन में कहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर देखा बेस्ट होगा कंटेंट्स में रखना। ओके, उसके बाद आप नीचे आपको दिखेंगे तो डोमेन सोर्स आप देख सकते हैं, ऐसे ये बहुत सारे डोमेन रजिस्टर को सपोर्ट करते हैं डोमकॉम, जैसे गोडाडी, नेमजेट, स्नैपनेप्स, शेडो और डायना डॉट अदर्स, मतलब और बाकी जितना रह गया। ओके, सो उसके बाद है मिस चैलेंज, आप देख सकते हैं फेक पीआर पेज रैंक, गूगल इंडेक्स में आप
डिसअलाउ कर सकते हैं, मतलब आप ये नहीं दिखा सकते। अगर आप दिखाना चाहते हैं गूगल इंडेक्स वाला डोमेन चाहिए वो भी कर सकते हैं। अलाउड डिजीज अगर ये नहीं करना चाहते इसे अनटिक कर दीजिए, अलाउड एसएससी इसे भी अनटिक कर दे। अगर मिसलेंस यहाँ पर आप एसएमआरएस अगर आपको एजुकेशन लिंक साइट से एक लिंक चाहना चाहिए तो ये यहाँ पर टिक कर लीजिए, उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर सर्च में क्लिक करना है। ओके, अभी हम कितने फिल्टर लगाए थे ये देखिए, 13 फिल्टर्स एनाबल्ड है अभी। सो आप देखिए एक्सपायरिंग सेक्शन में हम कितना डोमेन पाए, ओनली 180 डोमेन, ओके 2.8 मिलियन से। सो अभी हम जाएंगे एक्सपायर्ड सेक्शन में और एक्सपायर्ड सेक्शन हम देखते हैं कितना डोमेन पाए थे। ओके, यहाँ पर 152 डोमेन ऑलरेडी अवेलेबल है। एक डोमेन आपको शायद मैं खुश हो गया होंगी भाई, .ru से मिल गया। तो ये डोमेन ये वगैरह जो एक्सटेंशन है हम रजिस्टर नहीं कर सकते। सो ये यहाँ पर एक मिला द हनी बॉल बॉट्स .com। ओके, इसे आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिक डायर करके ले जाएगा गोडाडी या नहीं तो कहीं भी, मैक्सिमम टाइम गोडाडी नेमचिप में ले लेते हैं हम। ओके, और भी ये सारे बहुत सारी ये देख सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर एक वार्निंग साइन का होगा, या मतलब ये स्पैमी डोमेन के लिए ये फ्लैग किया गया है उनका सिस्टम। सो इसे आप बेटर होगा आप जब भी कोई डोमेन ऐसे देख के मत लेना कि आप मैनुअली चेक करना ऑलवेज, कोई भी डोमेन वो ले रहे हो। ओके, यहाँ पर .com पे सारे के सारे टोटल 100% ट्रस्ट मत करना। ये देखिए ये आपको हम आप बोलेंगे भाई यहाँ पर तो ओके ये रजिस्टर हो चुका है। ओके, ये रजिस्टर हो गए ये वाला। ओके, ये अवेलेबल है, इसका कितना था ये 38 डी एच था और 11 एच ओल्ड है। और बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर 3.80 मोच रैंक पाए और मोच टी आर क्या था भाई, ट्रस्ट डोमेन था 3.80 पाए। और ऐसे बहुत सारा यहाँ पर देखते हैं टोटल सोशल सर कितना हुआ है डोमेन का 84 हुआ। सो ये सारी सारी चीज़ें आपको दिखाई देगा। सो यहाँ पर बेटर होगा, उसके बाद ये डोमेन का सिंपली कॉपी करके आप मैनुअल आप एच एफ सी वगैरह चेक करके आप लेना है। ओके, सो ये था एक सिंपल फिल्टर आपको लगा कि देखा सिंपल में। और अभी हम जाएंगे थोड़ा सा एडवांस में। सो हम ये जो एक्सटेंशन वगैरह है ना इससे हम चूज कर सकते हैं कौन सा एक्सटेंशन हमें चाहिए। ओके, आपको सिंपली यहाँ पर एक्सपर्ट सेक्शन में आने के बाद यहाँ एडवांस सेक्शन में क्लिक करना है, उसके बाद आपको शॉर्ट्स में क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सारे के सारे एडवांस चीज़ें आप मैनुअली सब कुछ आपके हिसाब से कर सकते हैं। जैसे पहले तो यहाँ पर इन्फो जो लेफ्ट साइड में दिखा देगा, यहाँ पर ओपन पेज रहेंगे, एज हुईज के हिसाब से कितना एज चाहिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, लेंथ कर सकते हैं, वेट्स कितना होना चाहिए मिनिमम कर सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं, सीपीसी कर सकते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू कर सकते हैं, एसडब्ल्यू रैंक कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे मोच देख सकते, साइड लैंग्वेज मैजेस्टिक देख सकते, एंकर टेक्स्ट भी देख सकते, एच एफ का देख सकते, मैजेस्टिक का देख सकते, कितना ही और ऑप्शन है उसका एंड और डोमेन ऐड के टाइम भी देख सकते, एसएमआरएस भी है, डोमेन सोर्स कहाँ पर आप रजिस्टर होना चाहिए वो भी कर सकते हैं यहाँ पर, एक्सटेंशन वगैरह यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद लिस्टिंग टाइप आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, बाय नाउ बार्गेन क्लोज आउट पेंडिंग जो भी सिलेक्ट करना है उसी हिसाब। उसके बाद यहाँ पर मिसलेनियस और कुछ टारगेट जैसे हाइड स्पैमी और ओनली डिजीज लव डिजीज गूगल इंडेक्स ये सारे सारे गूगल न्यूज भी आप पा सकते हैं यहाँ पर सिलेक्ट करके। ओके, उसके बाद यहाँ पर और डोमेन इंडस्ट्री आप अगर पर्टिकुलर किसी के न्यूज का चाहते हैं जैसे रियल इस्टेट या नहीं तो आप बिजनेस इंडस्ट्री सारे सारे यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद आता है जियो डोमेन, जैसे पार्सल मैच एक जन मैच यहाँ पर किसी कंट्री का पटेल जैसे .in हमारा है इंडिया का, सो यहाँ पे कर सकते हैं। सो नहीं तो पाकिस्तान का .pk है, ओके तो अमेरिका का जैसे .us, सो वो सारे आप यहाँ सेलेक्ट करके ले सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर है कि इसके साथ आप किसी कीवर्ड के रिलेटेड चाहिए सो आप यहाँ पर कीवर्ड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इनका पैटर्न आप चेक कर लेना पहले कीवर्ड यहाँ पर कैसे लिखना है। ओके, सो ये बेसिक है, आपको पूरी डिटेल बता दें एडवांस चीज का क्या क्या करना है। सो अभी मेनली आपको अच्छा डोमेन बनाना है तो सो आपको क्या क्या फिल्टर लगाना है वो पहले चीज देख लीजिए। पहले तो आपको डोमेन अथॉरिटी पे देखना है कि मिनिमम 15 में रख दिया है ऑलरेडी, और CF TF हम रख सकते हैं। उसके साथ यहाँ पर साइड लैंग्वेज इंग्लिश कर लेना है और बाकी चीज़ मत करना, एंकर टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए कोई इशू नहीं। ओके, उसके बाद आप कैटेगरी वगैरह स्पैम्स कर तो मैनुअल बाय डिफॉल्ट रहने दें, नहीं तो मैक्सिमम आप 0 कर सकते हैं जैसे 1, उसके बाद 0 कर लेना, नहीं तो मैनुअल यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर ऑल एक्सटेंशन को आप नॉन कर लीजिए, उसके बाद आपके हिसाब से मान लेते हैं हम .com लेंगे, .net लेंगे और .org लेंगे, और उसके साथ अगर हम और किसी डोमेन लेना है तो आप एक्सटेंशन यहाँ पर सेलेक्ट कर ले सकते हैं जैसे .info है, .club है, जो रजिस्टर कर सकते हैं हम इंडिया से। ओके, उसके बाद आप मिसलेनियस आप थोड़ा सा कर सकते हैं, यहाँ पर hidea.com में बस क्लिक करता हूँ, गूगल इंडेक्स यस कर लेता हूँ और बाकी बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए, और SMRS यहाँ पर ओके मैं 0 रखता हूँ कोई इशू नहीं। ओके, एंड्रॉइड 1 डे में रखा हूँ कोई इशू नहीं। उसके बाद ऑप्शन बाय नाउ या ऑप्शन पर छोड़ दीजिए, उसके बाद ये चीज़ रहने दीजिए। ओके, और क्या रहा,
ओके सो इतना ही मिनिमम आपको रखना है अगर आप इजीली पाना है। यहाँ पर हाँ कीवर्ड वॉल्यूम आप पहले जीरो कर लीजिए। ओके सो उसके बाद आपको सिंपली क्लिक करना है सर्च। ओके यहाँ पर आप देख सकते हो ओनली 11 डोमेन्स हम पाए उसी हम जो जो दिए थे। सो सबसे पहला आया ये ओन ओन एम कैफे डॉट कॉम, ये एज इसके 1 ईयर है, डी ए 27 है, मोज पी ए 28 है, अच्छा डोमेन है। सो उसके बाद आया डी ए 20 का एक टुक क्या नाम है भाई, टुटकुसू डॉट कॉम, ये डोमेन रजिस्टर हो चुका है उसे छोड़िए। सो यहाँ पर फ्लोर वॉल कोच डॉट ओ आर जी यहाँ पर देख सकते हैं 21 है। ओके अच्छा 21 पी है इसका और बाकी अच्छा। सो मैं गूगल ने गूगल इंडेक्स का शायद यहाँ पर क्लिक किया था उससे मैं पहले अभी हटा देता हूँ। आप ये फिल्टर के साथ जितना अच्छे से खेलेंगे उसी हिसाब से आप पा सकते हैं। ओके और क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर बाकी चीज़ जैसे टीएफ में या जीरो आप कर सकते हैं। ओके सो बाकी चीज़ यहाँ पे रहने दीजिए। यहाँ पर रिडक्स क्या रिडक्स ऑटोमेटिक ले लेता है भाई, पगला गया क्या। ओके सो आपको अभी दिखाई देगा डी ए का 35 मिल गया, पी वी के आर डॉट कॉम। सो ऐसे बहुत सारे आपको डोमेन मिल सकते हैं। आप अगर ये फिल्टर के साथ आपको खेलना है और ये एडवांस फिल्टर में आप थोड़ा सा माहिर हो जाएंगे, थोड़ा एक दो तीन बार ऐसे करके आप जो रिसर्च करेंगे आपको मिलेगा। सो आप अगर पूछेंगे भाई ये डॉमकॉम से हम मैक्सिमम कितने हम पा सकते हैं, भाई देखिए डॉमकॉम का अच्छा टूल है ऑनलाइन टूल। सो यहाँ पर आप आराम से डी ए 50+ पा सकते हैं, मैंने भी पाया हूँ। सो ये कोई बड़ी बात नहीं, बट आप अगर जेनुअनली आप ढूंढेंगे अगर न्यूबी की तरह सो आप डी ए 30 तक आराम से पा सकते हैं, डी ए 40 तक। ओके सो इसे यहाँ पर क्या है ना डॉमकॉम ऐसे एक टूल है कि आपका जितने भी ऑक्शन में रहते हैं जैसे कि गोडाडी नेम जेड से और डायना डॉट सेडो, यहाँ पर जो ऑक्शन के डोमेन जितने भी रहते हैं उनको ये लोग ओनली क्रॉल करते हैं। और जो इनका जो हायर प्लान था पर्सनल क्रॉल जो है एक्सपर्ट डोमेन क्रॉलर, सो वो आप ले सकते हो तो अच्छा होगा थोड़ा, क्योंकि वो थोड़ा आपके लिए उनका जो बोर्ड है वो आपके लिए ओनली पर्सनल आपके लिए वो क्रॉल करके देगा कि पर्टिकुलर साइट से कि इतना जैसे स्क्रैप बॉक्स हम देखे थे। ओके सो डॉमकॉम के बारे में इतना था, मैं आपको पूरी पूरी बेसिक डिटेल बता दिया और एडवांस डिटेल भी आपको बता दिया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो भाई अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और उसके साथ हमारे चैनल पे न्यू है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे बहुत भी और भी पार्ट है बाकी रह गया, मैं आपको और भी बहुत सारे टूल है जैसे डोमेन हंटर गैदर और ऐसे के टूल है वहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हम बाय कर सकते हैं एक्सपर्ट में ढूंढ सकते हैं। सो और बाकी और भी कुछ पेड जैसे क्राफ बॉक्स में और मेथड है उसका ही बताऊंगा वो प्लग इन के माध्यम से। सो ऐसे और दो तीन पार्ट रहेगा इस एक्सपेरिमेंट का, सो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ओके सो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड।